सो हे गाइस व्हाट्स अप की हाल चाल सब तो फुल सारे वधिया कर सक सो हे गाइस की हाल चाल सब तो फुल सारे वधिया होवोंगे। गन कल्चर इन हिप हॉप एक्सप्लेन इंडिया वर्सेस यूएसए आ जाओ देखिए माड़ा जा सट्रैक्स दी वीडियो है। You know, put your guns down and no violence. That's hypocritical. And if I didn't talk about the violence, everybody would act like the violence wasn't there. सिद्धू मूसेवाला बार बार कानून तोड़ता है। Shot on your target, then you blow this shit out the motherfucker. नहीं, guns is not a bad thing. अपन हमको मालूम होना चाहिए कि इसको यूज कैसे करना है और इसके नुकसान क्या हैं, फायदे क्या हैं। So gun is not a bad thing. हिप हॉप ऐसा एक जॉनर है जिसमें फ्लेक्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, चाहे वो आपके कार्स हो, ज्वेलरीज हो या फिर गन्स हो। मीन्स ये एक मेथड है अपने आप को गेम में सुपीरियर बताने का, लेकिन एट द सेम टाइम इसके ड्रॉबैक्स भी है जिसमें जान जाने का खतरा रहता है। फिर भी रैपर्स ये रिस्क मोल लेते हैं जिसमें एक मेन रोल प्ले करते हैं गन्स। गन्स हिप हॉप म्यूजिक का ही नहीं बल्कि अमेरिकन स्ट्रीट कल्चर का ही एक हिस्सा है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आए दिन शूट आउट्स वगैरह होते रहते हैं। बहुत होते हैं तो अमेरिका के किसी भी स्टेट में शूट आउट स्ट्रीट्स बहुत आम गल है। एक सर्वे के मुताबिक वॉर कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, रशिया, यूक्रेन से 3 गुना ज्यादा असला बारूद का अमेरिका के स्ट्रीट्स में ब्लैक मार्केटिंग होता है। इस वायलेंस का शिकार वहाँ के आम नागरिक ही नहीं बल्कि वहाँ के आर्टिस्ट भी होते हैं। सो कुछ आर्टिस्ट अपने प्रोटेक्शन के लिए हमेशा गन्स अपने पास रखते हैं और इवन फ्लेक्स भी करते हैं सॉन्ग्स एंड वीडियोस में। लेकिन फ्लेक्स तक बात ठीक है, पर जब हमला होता है तो चीजें फ्लेक्स करने जैसा आसान नहीं होता और ऐसे हमने कई सारे आर्टिस्ट खोए भी है। सो स्पेशली आज हम बात करेंगे हिप हॉप में गन कल्चर के बारे में और हम इंडियन सीन में वेपन का क्या रोल है जानेंगे, स्पेशली पंजाब में। वेपन जब तक किसी समझ दे नहीं वेपन हो तो किसी वेपन तो बच नहीं सकते। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गन कल्चर इन हिप हॉप के बारे में। गन्स वैसे तो रखते हैं आर्टिस्ट अपनी प्रोटेक्शन के लिए, बट एट द सेम टाइम ये एक मुसीबत भी है। कुछ आर्टिस्ट इसे जेन्युइनली रखते हैं अपने पास ताकि किसी भी सिचुएशन को वो हैंडल कर पाए और कुछ आर्टिस्ट ये सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए ही यूज करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये गन कल्चर का इतना इम्पैक्ट हुआ है हिप हॉप और रैपर्स में, और कुछ ऐसे मूवमेंट्स बताऊंगा जहां पर रैपर्स अपना आपा खो देते हैं और अपना गन निकाल लेते हैं पब्लिकली। अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है, एंड ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आप सबके लिए एक सेक्ट्रेक्स एक्चुअली हिप हॉप दी बहुत ज्यादा नॉलेज रखता मुंडा, गुड न्यूज भी है। बहुत ही जल्द सेक्टर एक्स रिकॉर्ड्स ओपन होने वाला है जिसमें हम देश भर के अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को पुश करेंगे एक नए लेवल पे। बाकी डिटेल्स में आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द वीडियो अबाउट गन कल्चर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चेक दिस आउट। सॉन्ग ऑफ द डे। ये है अपने भाई अंबर फ्रॉम दिल्ली, जिनका गाना साथ है आ चुका है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल आर्टिस्ट है और ये गाना काफी रिलेटेबल भी है और अंडरग्राउंड में शायद ही कोई इस लेवल पे वीडियो अभी फिलहाल रिलीज कर रहा होगा। तो आप सब लोग जाके भाई के गाने को सपोर्ट जरूर करना सेक्टर एक्स के तरफ से। आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक टाइम तक हिप हॉप म्यूजिक बहुत ज्यादा पीसफुल था, यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी लेट 80s में। बहुत ही कैची राइम्स, ग्रूवी म्यूजिक और फैंसी क्लोथ्स, यही पहचान थी रैप की। इवन मेनस्ट्रीम में भी यही सब चल रहा था लेट 80s और अर्ली 90s में। टीवी और रेडियो वगैरह में जो भी रैप सॉन्ग्स थे उसमें गन्स तो छोड़ो, एक बैड वर्ड भी यूज नहीं करते थे रैपर्स। मीन्स कोई भी गाली नहीं होती थी किसी भी गाने में। I don't know what it is about this groove. You're gonna fall when the stereos pump me. I like the rhyme. I like my beats funky. I'm a little bit out of control. It's cool to dance, but
तो ये था रैप म्यूजिक एक टाइम तक, जब तक एक रैप फॉर्म उभर के नहीं आता जो था गैंगस्टर रैप। गैंगस्टर रैप जो था वो रियलिटी बता रहा था जो हुड में एक्चुअली हो रहा है। लेजेंडरी आर्टिस्ट आइस टी को क्रेडिट जाता है पहला गैंगस्टर रैप सॉन्ग के लिए। मीन्स 1986 में आइस टी ने एक गाना ड्रॉप किया था जो था 6 in the morning, जो हिस्ट्री का पहला गैंगस्टर रैप सॉन्ग बना। सो फिर ऐसे ये रेवोल्यूशन आगे बढ़ा एंड उसके बाद एक ऐसा ग्रुप आया है गेम में जिनने गैंगस्टर रैप म्यूजिक का फेस ही चेंज कर दिया और गेम में गैंगस्टर रैप के पर्यायवाची बन गए थे वो लोग। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट NWA। यहाँ से फिर ट्विस्ट एंड टर्न्स आना शुरू होता है रैप सीन में। NWA upfrontly bad words और guns के बारे में rap करते हैं, means वही सब वो बता रहे थे जो hood में actually हो रहा है। NWA अपने आप को streets के reporter claim करते थे and the main thing is that कि NWA Supremo Eazy-E एक gangster and drug dealer ही थे जो rapper बने थे। So जाहिर सी बात है कि वो अपने साथ violence भरा past लेके चल रहे थे, प्लस क्रिप गैंग के एक्टिव गैंग मेंबर होने की वजह से वो फुल फ्लैश गन्स वगैरह लेके घूमते थे। एंड इवन स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन मूवी वगैरह में भी ये सब दिखाया है कि कैसे ये लोग टूर वगैरह पे जाते थे तो गन्स वगैरह कैसे लेके जाते थे अपने टूर बस में। सो ये गन कल्चर को हिप हॉप का एक पार्ट बनाने में गैंगस्टर रैपर्स और NWA का बहुत बड़ा रोल है। और 90s के जो रैपर्स थे वो सच में रियल लाइफ गैंगस्टर्स थे, सो इट मेक सेंस कि वो लोग गन्स लेके फिर रहे हैं। तो बट उसके बाद ऐसी एक जनरेशन आई जिसने गन्स रखना मजबूरी नहीं बल्कि कूल समझा एंड गैंगस्टर दिखने के चक्कर में गन्स वगैरह फ्लेक्स करने लगे। NWA से लेके टूपाक तक का जो एरा था उसे भले ही द गोल्डन पीरियड ऑफ हिप हॉप कहते हो बट एट द सेम टाइम वो उतना ही डेंजरस भी था। Eazy-E अपने इंटरव्यूज वगैरह में गन्स फ्लैश करते थे एंड ये वो दौर भी था जब ब्लैक आर्टिस्ट गवर्नमेंट के टारगेट में थे, फिर भी Eazy-E ने ये डेरिंग दिखाई थी, इसलिए ही उन्हें द गॉड फादर ऑफ गैंगस्टर रैप भी कहते हैं। और इवन Eazy-E ने ये भी बोला था कि हम लोगों से हमारे रिकॉर्ड्स खरीदवाते हैं जबरदस्ती बंदूक के नोक पे। इवन तो ये एक ह्यूमरस वे में बोला था बट हाँ इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था सीन में उस टाइम। So, जैसा मैंने जनरली बताया था कि US में गन्स एमआई मिल जाता है इजिली और इसका ड्रॉ मतलब तुम्हें लाइसेंस दी लोड नहीं पैंदी टैक्सेस वगैरह एरियाज था कई कई गन्स लैंड वास्ते तो बैक भी देखने को मिलता है। इवन कुछ साइको लोग स्कूल में शूट आउट करके बच्चों को मारते हैं और ऐसा कई बार हुआ है US में। और इसका कंपैरिजन हम इंडिया से करें तो हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस गन्स को लेके काफी स्ट्रिक्ट है और ऐसे ही किसी को लाइसेंस नहीं मिलता इजिली। टेक्सास जैसी जगह में तो गन्स के लिए लाइसेंस भी नहीं चाहिए था 2021 तक तो। और रैप रियलिटी को ही एक्सप्रेस करता है, अब वहाँ यही सब हो रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ के रैपर्स अपने गानों में गन्स मेंशन करते हैं। लेकिन इंडिया में क्यों ऐसा ये फैल रहा है जानने से पहले हम जरा उन रैपर्स के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपना आपा खो दिया था और गन्स वेव किया था पब्लिकली। सबसे पहले शूक नाइट, द नाइटमेयर ऑफ अमेरिकन हिप हॉप। इस लिस्ट में आते हैं टाइगा जिन्होंने मीडिया के सामने ही गन पुल आउट करने की कोशिश करा था एंड हुआ कुछ ऐसा था कि फ्लॉयड मेवेदर की पार्टी में टाइगा का पंगा हो गया था किसी से, सो वो क्लब के सिक्योरिटी ने टाइगा एंड उनके टीम को क्लब से बाहर निकाल दिया था एंड इस गुस्से में टाइगा ने अपने सिक्योरिटी टीम वाले बंदे का गन लेने के लिए आगे बढ़े बट ग्रेटफुली वो सिक्योरिटी टीम मेट ने सिचुएशन हैंडल कर लिया और वहां से टाइगा को निकाला। और ये सब वहां मौजूद मीडिया के सामने हुआ था। वेल, अगर टाइगा को उस दिन गन मिल जाता तो आज कहानी कुछ और होती। देन है रैपर बूंक जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान गन फ्लैश किया था और उस रूम में जो भी थे सब ऑलमोस्ट डर गए थे। खैर ये तो स्टुपिडिटी है। Alright, you can say whatever you want, whatever on the show. I wouldn't pull the gun out and I don't feel comfortable having a gun in the studio. Hold on, gang. फिर है They're high, man.
NBA यंग बॉय जिनका एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें वो एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे और उनके हाथ में गन था। वैसे म्यूजिक वीडियोस वगैरह में गन्स दिखा सकते हैं खोस वो कॉन्सेप्चुअल होता है, लेकिन ये लीक वीडियो ने काफी नेगेटिव अटेंशन गेन किया था NBA यंग बॉय के लिए। खैर वो तो अच्छा हुआ कि उनपे पहले से कोई केस नहीं था, वरना NBA यंग बॉय मुसीबत में आ जाते। अब है 21 सैवेज। अटलांटा में एक पार्टी के दौरान दो गुटों में बहस हो गया था और उस ग्रुप में से एक ग्रुप में थे 21 सैवेज, जिन्होंने अपने हाथ में गन लिया था अपने फ्रेंड के हाथ से और कहते हैं कि ये उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए लिया था। वेल देख के तो ये लग नहीं रहा था। खैर ये मैटर वही शांत देख के तो ये लग नहीं रहा हो गया, बट अगर गोली चल जाती तो हो सकता है कि कुछ बड़ा हादसा हो जाता। अब इस लिस्ट में सबसे गैंगस्टर मूवमेंट दिखाने जा रहा हूं मैं एक रैपर का, और आप लोगों के लिए ये एक चैलेंज है कि पहचानना कौन है ये रैपर। अपना आंसर कमेंट्स में ड्रॉप करके बताना ये कौन था। देन है फेमस डेक्स, जिनका एक शो के दौरान लफड़ा हो गया था और डेक्स ने अपने बचाव के लिए हाथ में गन लिया था पब्लिकली और वहां से अपने कार में बैठ के निकल गए, और ये पूरा सीन रिकॉर्ड हुआ है वीडियो में। एंड देन फाइनली है टूपाक। एक आउटडोर पार्टी के दौरान पाक का लफड़ा हो गया था ऑप से और टूपाक ने अपना गन निकाल के चला दिया था पब्लिकली, बट अनफॉर्चुनेटली पाक के बंदूक से जो गोली निकली थी वो एक 6 साल के बच्चे को जा लगी थी गलती से। यही नहीं, पाक ने और भी कई बार पब्लिकली गोली चलाई है। इवन पाक ने दो अंडरकवर पुलिस वालों पे भी गोली चलाया है, बिकॉज वो लोग एक ब्लैक पर्सन को परेशान कर रहे थे रोड पे इसलिए। सो यस, ये जो रैप तो वो गलत गल नहीं है कि जो तो बंदा सेल्फ डिफेंस ली कर रहा है, दैट्स नॉट राइट। बस है जिन्हें लोग गैंगस्टर क्लेम करते हैं वो एक्चुअली में भी वो लाइफ जीते हैं, एंड बाकी रैपर्स जो खुद को गैंगस्टर क्लेम करते हैं खुद से ही वो कैसे है आप जानते ही हो। वैसे तो कई और भी रैपर्स है जिन्होंने पब्लिकली गन निकाला है और इवन गोली भी मारी है लोगों को, लेकिन सबका नाम लेंगे तो ये वीडियो 2-3 पार्ट में बनाना पड़ेगा। और डबेबी को भी इस लिस्ट में ऐड कर लेना, बिकॉज एक बार वो वॉलमार्ट में अपनी गर्लफ्रेंड और बेटी के साथ शॉपिंग कर रहे थे और तभी उन्हें कुछ लोग लूटने आए, बट डबेबी ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया और गोली चला दी उन पे, जिनमें से एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो ये तो हो गया बाहर का सीन, अब हम बात करते हैं हमारे इंडियन सीन के बारे में। इंडिया में भी गन रिलेटेड क्राइम्स का कम नहीं है, बट उतना नहीं है जितना US में है। और स्पेशली म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो पूरा गन कल्चर रूट पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की ओर ही जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ पंजाबी ही गन्स रखते हैं, हम में से कईयों के दादा वगैरह के पास भी गन्स होंगी ही, लेकिन जब इसे ऐसे मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट मोनेटाइज करने की बात आती है तो यस, स्पेसिफिकली पंजाबी म्यूजिक का ये एक पार्ट है बोल सकते हैं। और पंजाब स्टेट में ये गन कल्चर कैसे इमर्ज हुआ डिटेल में जानना है तो सोच भाई मोहक मंगल का एक पूरा वीडियो है इस पे। ओके, भाई तो रिएक्ट करेंगे। मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा चेक मारना, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे गन कल्चर इम्पैक्ट कर रहा है पूरे सिस्टम को। लेकिन हाल फिलहाल में पंजाब में लॉस काफी स्ट्रिक्ट है और बहुत सारे वेपन लाइसेंस वापस भी लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है पूरा माहौल। इंडिया में गन कल्चर की बात हो और उस्ताद सिद्धू मूसेवाला की बात ना हो, उस्ताद सिद्धू मूसेवाला ऐसा हो ही नहीं सकता। उन पे कई सारे एलिगेशंस लगे थे गन कल्चर को बढ़ावा देने का, इनफैक्ट आर्म्स एक्ट का केस भी लगा था उन पे, जो अपने इंडियन मीडिया ने बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट भी किया था, जो आज सिद्धू के मरने का शोक जता रहे हैं। एंड पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के डेथ के बाद प्रशासन और भी अलर्ट हो गया है, मींस एक बंदे को मारने के लिए हाई एंड वेपन्स और ग्रेनेड लेके आए थे हमलावर। पर सिद्धू के डैड के अकॉर्डिंग जब सिद्धू को आगे पीछे घेरा था उन लोगों ने, तो पहली गोली सिद्धू मूसेवाला ने ही चलाई थी हमलावरों पे, और आखिरी सांस तक वो लड़के ही गए हैं। सो इससे ये बात साबित होती है कि जो बोलते थे सिद्धू मूसेवाला गन्स को सिर्फ ग्लोरीफाई करते हैं तो ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली में वो लाइफ जीते थे। एंड हिप हॉप में गैंगस्टर रैप की वजह से ही इतना वायलेंस क्रिएट हुआ है ब्लेम करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी है कि गैंगस्टर रैप जो है वो रियलिटी रैप है। इंडियन सीन में भी अभी गैंगस्टर रैप उभर के आ रहा है, जिसमें कई सारे डोप आर्टिस्ट ओल्ड स्कूल वाइब को जिंदा रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट लाइक आजाद, जो कि हाल फिलहाल में पंजाबी गैंगस्टर रैप के उभरते चेहरे हैं, और आने वाले टाइम में जब आजाद जैसे आर्टिस्ट को डिजर्विंग सक्सेस मिलेगा तो लोग यही सब हेट आजाद ने बहुत सोना रैप किया यार वाजर नाल
उनको भी देंगे सच बोलने की वजह से। खैर मेरा जहां तक मानना है गन कल्चर का आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। समाज में कोई मुजरिम म्यूजिक सुन के नहीं बल्कि अपनी सोच की वजह से गुनाह करता है। आर्ट को आर्ट की तरह ही ले तो ज्यादा बेहतर है। और होप कि पंजाब में जो भी फिलहाल चल रहा है सब ठीक हो जाए जल्द से जल्द। वैसे इन सब इश्यूज को लेके एक बांधो कोई पंजाब को। एंड यस अबाउट गन कल्चर। ओके अगे मतलब वीडियो इन्नी की है तो मतलब यही गल है यार ओवरऑल कि इन्ना कुछ है नहीं सीन जिन्ना बनाया जा रहा है बाहरले देशों जिस तो ट्रिपल चार गुणा ये सब कुछ हो रहा है। बट यार है भी तो बाहर दे सी जिन्होंने चलाइया गोलियां ठीक है। तुम एक गल होर देखो कि जेडे तो मुंडे पंजाब के ही दो तरन तारण वाले इलाके के वह मारते पुलिस ने जेडे बाहरली स्टेट वाले वह मारे भी नहीं धक्का भी पंजाब ने ही करना इन्होंने सारा कुछ मतलब मकाना पंजाब नहीं है होर कुछ नहीं करना होर किसी ने कोई हाथ नहीं लाना इन्होंने औखा है। सत श्री अकाल।